आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है। अपने बिल्लू रानी साथ में ट्रैक्टर बाइक, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है मुझे, आगे बताऊंगा इम्पोर्टेंट बात क्या है। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई? अरे भाई, किधर किधर जाना है? हाँ, हमारे गाइडियन आज रास्ता बताने वाले हैं। शोएब भाई, शोएब भाई कहाँ लेके वहाँ जाएंगे गाइस आज? अच्छे रास्ते से ले चलो शोएब भाई, गाड़ियाँ पंचर ना करो। तो गाइस आज फिर से हम लोग हैं मोटो व्लॉग सेटअप पे। यार हमारा मोटो व्लॉग सेटअप का ना वो क्या बोलते हैं, एक चीप कहाँ गिर गया पता नहीं यार, उसको अब देसी जुगाड़ बना को यूज़ कर रहे हैं। पर तुम सिंगल ब्लॉग गए खुद में मालूम नहीं किधर गिर गया हो। वो गली रोड थी ना, ऑफ रोड वाली, मुझे लगता है वहीं पर कहीं पर गिर गया होगा। अब इसको लबर लगा कर चला रहा हूँ। अरे भाई, हम तो वही पुराने रास्ते पर आ चुके हैं गाइस, जब एक बार पिछले ब्लॉग में सिंगूर जाने से पहले वाले ब्लॉक में यहाँ पर से आकर फिर से रिटर्न हो गए थे गाइस। हम लोग फिर से वही रास्ते पर आए, पता नहीं आज लेकर कहाँ पर जाने वाले शेब भाई, देखते यार। यहाँ पर कांटे चुभे हाथ पर, देखो आज जो है ना मेरे वाले फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, मेरा फ़ोन तो छोटा है बिल्कुल। तो क्या है, क्लैरिटी सही नहीं आएगी? आएगी लेकिन उतनी मेरे पहले ब्लॉगों में जितनी आई थी ना उतनी भारी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि छोटा है फ़ोन मेरा। तो क्या है, एडजस्ट कर लो, बड़ा फ़ोन दूसरों का लेकर लगा भी नहीं सकता ना गाइस, क्योंकि इसका एक क्लिप गिर गया, लबर लगा के चला रहा हूँ। अगर से बाई चांस कुछ भी होगा तो फ़ोन गिरेगा तो डैमेज होगा, अपना फ़ोन होगा तो क्या भी नहीं होगा ना, इसलिए क्या है मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरों का फ़ोन गिरेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी गाइस, इसलिए मेरे ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या एडजस्ट कर लो आप लोग, मुझे मालूम नहीं गाइस कैसे रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, पिछले ब्लॉग की तरह आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं। मेरे को जहाँ तक तो लग रहा है आ रही है आवाज़, अगर आएगी तो अच्छा है, नहीं आएगी तो फिर से पोपट हो जाएगा गाइस पिछले ब्लॉग की तरह। अपना एक गेमिंग चैनल भी है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाके उसको भी थोड़ा प्यार दिखाओ ना जी। उसमें डाल रहा हूँ वीडियो, लेकिन पहले अच्छा रिस्पॉन्स आया था, फिर से क्या है दो तीन व्यूज़ आ रहे हैं उसको शॉर्ट वीडियोस को। तो क्या है डालना दिल नहीं भर रहा, व्यूज़ कम है तो क्या है मेहनत फुल करके उसको एडिट करने बहुत टाइम जाता, और एडिट करके डाले बाद में उसको व्यूज़ नहीं है तो वो मेहनत बेकार कैसे कर दिखती, डालना दिल नहीं बोलता। इसलिए क्या है थोड़े दिन से उसको वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मैं, आप लोग अगर से उसको भी ज़रा सपोर्ट करेंगे ना वो चैनल को भी तो उससे भी रेगुलर वीडियो डालने चाह रहा हूँ मैं, अगर से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। आगे शायद रास्ता बंद है, फिर से रिवर्स जा रहे हैं भाई, फिर से वहीं पर आ चुके हैं हम लोग। देख सकते हो गाइस यार इतनी गर्मी हो रही है ना, इसमें हेलमेट में बोल नहीं सकता गाइस, यहाँ पर कांटी लगी थी यार, ये देख सकते हो गाइस दर्द हो रहा है अभी, फुल दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिए, हाथ धो चल रहा है रोशनी होगा, पर छोटा सा ब्रेक लिए। ये कोरी देख सकते हो गाइस, बहुत पहले हम लोग बहुत पहले तीरते थे इसमें, अब तीर रहे हैं उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है इसमें तीरने के लिए। तो अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर अब जा रहे हैं फिर आगे के लिए, सोचा है कि इधर से जाएंगे, अगर जहाँ तक रास्ता होगा वहाँ तक जाएंगे,
आगे अब अगर रास्ता नहीं होगा तो रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। रास्ता होगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे गाइस, जितना हो सका उतना आपको बताएंगे। तो फिर चलते हैं, अरे भाई साहब, भाई मेरी हेलमेट ब्लैक है, मेरा शर्ट ब्लैक है, मेरी गाड़ी ब्लैक है, धूप ऐसी तगड़ी मार रही है ना गाइस, बता नहीं सकता आपको, एकदम हेलमेट में और ऊपर से गर्मी भी हो रही है गाइस। धूप है ना, ब्लैक वाले एरिया को ज़्यादा धूप मारती है गाइस, अगर से वाइट होगा ना तो उतना धूप नहीं मारेगी, लेकिन ब्लैक वाला जल्दी गर्म हो जाता है। अरे भाई भाई, ये तो एकदम फुल्ली ऑफ रोड है गाइस, ए पूरी ऐसी रोड है यारो, आगे से सही है करे देखेंगे, अब कितनी सही बात की कितनी झूठ बात की शेप की देखेंगे, रास्ता तो मालूम है ना। शोएब भाई बोले कि एक बार आए थे इधर से, सही था तब, अब देखेंगे जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, वरना भी वापस आएंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते ना हम लोग, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, आपके लिए तो ब्लॉग लाना ही लाना है संडे के दिन, अब कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो फिरना पड़ेगा ही ना गाइस। तो गाइस आपसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला था ना मैं, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे आप लोगों से डिसीजन चाहिए गाइस, डिसीजन मतलब एक क्या बोलते हो, एक राय, एक सजेशन, कुछ भी बोल सकते हो गाइस। मुझे कंटिन्यू डेली व्लॉग्स रेगुलरिटी के साथ कर व्लॉग्स करना चाहिए कि या फिर चैलेंज वीडियो बच्चों के साथ हमारे साथ चैलेंज वीडियो लाऊं, मुझे कमेंट बताओ, कमेंट में एक बार कमेंट में बता दो गाइस। मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि आप लोगों को पसंद क्या आ रहा है, हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं या फिर चैलेंज वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स करूँ, छोटा ही सही डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स का शूट करूँ और अपलोड करूँ डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। तो मुझे बताओ कमेंट में, डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स करने करूँ या फिर संडे संडे व्लॉग करूँ या तो फिर चैलेंज वीडियोस लाऊं। चैलेंज वीडियोस में भी पता है गाइस क्या होता है ना, मतलब चैलेंज वीडियोस में उतना हम लोगों को करना क्या चाहिए, कौन सा चैलेंज करना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सोचने में ही दिन चल जाता है गाइस, सोच 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 कर ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब खोल कर देख लेते हैं फिर से कौन सा भी, वैसे उसमें भी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है ना गाइस उतना भारी वाला चैलेंज वीडियो कर सकें। तो चैलेंज वीडियो में वो करना एक हिसाब से डिफ़िकल्ट है गाइस, मुझे आप बोलोगे तो डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स डालता रहूँगा, आप बोलोगे तो तब बहुत हार्ड है डेली व्लॉग्स करना, लेकिन आप लोग कमेंट में बताओगे ना तो आपके लिए करूँगा गाइस। तो याद से कमेंट करके बोल दो करना चाहिए कि नहीं, हर बार बोलता हूँ गाइस कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए, हर बार नहीं बोलते हो लेकिन इस बार तो पक्का आपको करना ही पड़ेगा गाइस, मुझे एक एडवाइस दो, करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरा पहले का चैनल भी था गाइस, उसमें भी डाला था वीडियोस दो साल कुछ, उसमें इतना इसकी इतना भी रेगुलरिटी नहीं थी लेकिन डाल रहा था वीडियोस, वो चैनल पता नहीं क्यों जब वीडियो इम्प्रेशन जब बढ़ने लगी थी ना वीडियो की मेरी, तभी यूट्यूब वालों ने चैनल को टर्मिनेट कर दिया गाइस। आप लोगों को नहीं पता हो तो रीच इम्प्रेशन क्या होता है बता दो, तो इम्प्रेशन ये होता है कि यूट्यूब में अपनी वीडियो को कितने लोगों के पास भेज रहा है, यूट्यूब कितने लोगों के पास, जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तो सामने किसी का भी वीडियो आ जाएगा और अपना वीडियो कितने लोगों के पास गया उसको बोलते हैं इम्प्रेशन गाइस। तो यही होता है इम्प्रेशन, ये जब मेरा बढ़ने लगा था ना इम्प्रेशन और रीच मतलब व्यूज़ काउंट होता है गाइस, ये जब मेरा बढ़ने लगा था ना तभी यूट्यूब वालों ने मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया था। क्या हुआ यार, क्या किधर वो पहाड़ पो, फिर अपन अब कहाँ हैं, टोल गेट पार हो गए नहीं, हाँ तो भाई लोग अब हम रास्ता फटक गए थे, गलत रास्ते पर आ गए थे, अब शोएब भाई बोल रहे हैं कि उधर से रिवर्स जाकर देखेंगे, थोड़ी देर रेस्ट लेकर
फिर इधर पीपल की झाड़ के नीचे बैठ कर आगे जाएंगे बोल के बोल रहे, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे बोल रहे। क्या बोलता हूँ, मेरे कुछ गर्मी बहुत हो रही है इस हेलमेट में, इसलिए मैं बोला कि कहाँ पर तो रुकेंगे। तो शेप पे बोले कि आगे पीपल के झाड़ के नीचे वो रुकेंगे, ठंडा होता है वहाँ पर बोले। तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे, अब थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट लेकर चलेंगे गाइस आगे के लिए। फिर से भाई बोले तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे गाइस, शेप भाई वो है जिनको प्यार से दादा पा बोलते हैं गाइस, शाइन वाले है शेप भाई, प्यार से जिनको दादा पा बोलते हैं। तो गाइस थोड़ी देर बैठने के लिए बैठे थे रेस्ट लेने के लिए, यार इतना ठंडा है कि पूरे के लिए दांतों पर देख सकते हो गाइस, सुकून से सो गए सब लोग, बैठे थे सुकून से। चलो भाई चलो 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 जाएंगे, चलो आधा घंटा होगा, आधे घंटे से ज़्यादा होगा गाइस, बैठे थे। इतना ठंडा है ना गाइस, बता नहीं सकता, धूप में फिरे थे ना, इतना ठंडा है, सुकून से सो गए गाइस, मस्त में बेफिक्र बैठे थे। आधा घंटा होगा गाइस बैठने लग को, जाना है जाना है जाना है। तो गाइस दादाप्पा बोल रहे कि गाड़ी चेंज करेंगे, तो अब मैं चलाने वाला हूँ दादाप्पा की धनु, तो फिर चलते हैं। चलो चलेंगे भाई, किधर जाएंगे, चलो तुम इस चलो सामने आप नहीं मालूम रास्ता हो। तो गाइस चलते हैं आगे के लिए, अभी उधर से रास्ता है नहीं है नहीं मालूम, जा रहे तो सही। तो गाइस मैं आप लोगों को बहुत बोला था कि कमेंट में बताना गाइस, कमेंट में ज़रूर बताओ गाइस, करूँ तो करूँ क्या, डेली व्लॉग्स करूँ या चैलेंज। चैलेंज वीडियोस तो डेली ला नहीं सकता गाइस मैं, क्योंकि करूँ क्या चैलेंज, मुझे चैलेंज वीडियो बनाने में सोचने में टाइम लगता है गाइस, उसके पीछे का कर ही नहीं सकता ब्रो डेली चैलेंज वीडियोस। तो डेली व्लॉग्स भी नहीं कर सकता, मुश्किल है डेली व्लॉग्स भी करना। अगर आप लोगों को आप लोग कमेंट करेंगे ना गाइस, तो मुझे एक मोटिवेशन सा मिलेगा गाइस, मोटिवेशन मिलेगा तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता गाइस, मुझे आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए बस, आप जो बोलोगे आपका भाई करेगा ज़रूर। डेली व्लॉग्स करना चाहिए कि नहीं यार, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, सब लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर करो गाइस, सब लोगों के तरफ से भी एक दो दो सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे ना, तो अपने करीब कम से ज़्यादा 100 सब्सक्राइबर्स समझो, 100 सब्सक्राइबर्स भी आदमी के दो दो सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे ना, तो गाइस जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे गाइस। तो क्या है, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो गाइस। ये भी बताना गाइस हमारा व्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है आपको, और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपने व्लॉग में, ये भी ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोग ये चेंज करें हो बोल के बोलेंगे ना, तो ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि चेंज कर सकूँ, तो ज़रूर बता देना कमेंट में। तो गाइस वाइपर उठा लेता हूँ गाइस, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। तो फाइनली गूगल में वहाँ यहाँ पर दादाबाद धन लाने के बाद में फाइनली रास्ता मिल गया, सीधा रास्ता है कदे, अब मैं आप कितना सही है कितना झूठा है मालूम नहीं, जाको देखेंगे। फाइनली गाइस यहाँ पर रोड दिख रही, देखो लारी जा रही, इससे पहले दो तीन गाड़ियाँ गई यार, इसको देखकर इतना सुकून सा मिला है ना गाइस, भाई 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 चेक करो यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही, ये क्या है। तो गाइस मुझे कमेंट में बताना मत भूलना गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कितने बार बोलेगा ये यार, मुझे पता तो चले आप लोगों को पसंद क्या आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है पता तो चले ना गाइस, मैं ऐसे ही डालता रहूँ या मैं फिर डेली व्लॉग्स करूँ या तो फिर चैलेंज वीडियोस लाता रहूँ इस चैनल पे। तो याद से कमेंट कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलो गाइस, ठीक है। तो गाइस फाइनली
उधर कहीं को कहाँ चल। तो गाइस फाइनली रोड पर चढ़े हैं। स्वेप पे बोल रहे हैं कि प्यार से जिनको दादा बाबा बोलते हैं उन्होंने बोल रहे हैं कि तालाब बताएंगे। तो गाइस यही है कुमचटपल्ली का तालाब, बोलते हैं ना यही है वो। हम लोग कहाँ पर रहने वाले थे पता नहीं, ऐसे ही निकल चुके थे। अब देख सकते हो गाइस कुमचटपल्ली के तालाब में आ चुका है यार। इतनी मुश्किल हुई ना आपको बता नहीं सकता गाइस। जंगल में से वो घासा में से कांटे चुबा लेते वो चुबा लेते हैं गाइस। इसी बात पे एक लाइक एक शेयर कमेंट कर देना गाइस याद से। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग वीडियो शूट करके स्कूल के पास आके बैठ गए थे। जाते वक्त वीडियो शूट कर लिए, आते वक्त वीडियो शूट नहीं करे क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो गाइस जो भी बोला था ना कम वीडियो में वो ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना सब लोग, और जो मैं बोला था ना डेली व्लॉग करूँ या ना करूँ वो ज़रूर बता देना गाइस मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि डेली व्लॉग्स करूँ या आपको डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या चैलेंज वीडियोस पसंद आ रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो क्या है आप लोग बता देंगे ना तो मेरे को हेल्प हो जाएगी, तो शूट क्या करूँ मैं, तो इसलिए ज़रूर कमेंट में बता देना। तो व्लॉग को ये करते हैं यहीं पर दी एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।